हमारा हम बुलबुले हैं इसकी कहाँ पे लिखा हिंदुस्तान का नक्शा है अल्लामा इकबाल अच्छा यहाँ से लेकर हिंदुस्तान हमारा इसमें क्योंकि चारों जो मजहब के मतलब दिया हुआ है मस्जिद भी दी हुई है मंदिर भी बना है सिख गुरुद्वारा जो भी है चारों का उन्होंने नक्शा बनाने वाले अच्छा ब्रांड नहीं है चलो तो ठीक है भैया मेहनत बहुत लगभग कर रहे हैं बच्चे ये पैगाम देना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई भाई हैं और सबको हिंदुस्तान में मिलकर के रहना चाहिए यही पैगाम देना है ये बेटा ये क्या ये बहुत अच्छा काम है इसका भी डे और नाइट है रात और दिन शब और रोज जब दिखाएं भाई कैसे यानी सना अफरोज आ जाइए सना दिखाओ बेटा अब बना दो जल्दी बताओ भी हमें तब ना मुझे पता चलेगा क्या बनाया सना अपने आप को इंट्रोड्यूस करो पहले सना अपना तारुफ करें मेरा नाम सना अफरोज है और मैं बीए थर्ड ईयर से बीए थर्ड ईयर ओके सब्जेक्ट उर्दू एंड एजुकेशन ओके वेरी गुड हाँ हाँ ठीक है वेरी गुड डे और नाइट इनके जरिए पैगाम दे रही हैं कि दिन और रात हर एक इंसान की जिंदगी में आता है और कुछ न कुछ हर दिन इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है सीखता है और कुछ न कुछ सीखता रहता है और करता भी है दिखाता भी है और दिन और रात हर एक इंसान की जिंदगी में आता है और एक खूबसूरत सुबह होती है हर इंसान की जिंदगी में खूबसूरत सुबह होती है और इंसान जो है सुबह से अपने अपने कामों में लग जाता है सीखता है कोई सीख चुका होता है सही पूछिए तो कोई सीख नहीं चुका होता है क्योंकि लगातार जो है जिंदगी जो है मुसलसल सफर का नाम है इंसान कुछ न कुछ रोज सीखता रहता रोज सीखता है माँ की गोद से कब्र तक इंसान सीखता है जब तक वो जिंदा है ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जो सीख करके अपने आप को मुकम्मल माने कि मैं मुकम्मल हूँ ऐसा कुछ नहीं कि मुकम्मल होता है हर इंसान सीखता रहता है बढ़िया बेटा इसमें सुबह और शाम कहाँ है रात दिन ये दिन है सर और ये सुबह शाम का दिन और रात दिखा रहे हैं ना ये सुबह है यहाँ पे सुबह होती रही शाम होती रही यहाँ सुबह आएगी अब शाम को यहाँ पर रहेगा तो सूरज यहाँ से बढ़िया ये क्या है बेटा पहले इंट्रोड्यूस जो इसने बनाया है कौन क्यों कौन है इसका तौर पर रहिए तारा खातून एमएस सेकंड सेमेस्टर फरजाना पर एमए उस्मानी क्या दिखा रहे हो बेटा ये ताजमहल है सर ताजमहल है ओके खुद से बनाया हाथ से जी किसने बनाया सब लोग मिलके बनाया है ये पूरा एक कोई एक बनाया होगा हैंड राइटिंग से एक ही लगे है मतलब ये पार्ट किसी ने बनाया पार्ट किसी ने बनाया अच्छा ये शेडिंग किसी ने शेडिंग किया किसी ने लिखा होगा बढ़िया बहुत सुंदर है शेर क्या लिखी है सुना दीजिए शेर सुना दो भाई शहंशाह ने बनवा की हंसी ताज महल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी और यही अगर उल्टा करेंगे तो शहंशाह ने बनवा की हंसी ताज महल हम गरीबों की मोहब्बत का उदाहरण है इंसान